नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे पास एक आईटेल का मोबाइल है, आईटेल L5006, और इसमें हमारी ये चार्जिंग की प्रॉब्लम है जिसमें जियो का सिम लगता है। और ये देखिए हमारा आईटेल का डिवाइस है और इसमें चार्ज नहीं हो रहा, बहुत ही लो बैटरी है और इसमें चार्जिंग का जो पिन है हमारा डैमेज हो चुका है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने आईटेल L5006 को किस प्रकार से चार्जिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, किस प्रकार से आप उसको रिपेयर कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम आपको चार्जिंग लगा के चेक करा देते हैं कि ये हमारा ऑन हो जाता है एक बार। और ये देखिए हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी बैटरी बिल्कुल से डिस्चार्ज है। और ये चार्जर हम यहाँ पर लगाते हैं इसका, ये चार्जर हमने लगा दिया, लेकिन देखिए किसी प्रकार का कोई भी हमारा यहाँ पे चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी चार्जिंग हमारा शो नहीं कर रहा। तो किस प्रकार से इसको रिपेयर करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको डिवाइस को स्विच ऑफ कर लेना है। ये हमारा लॉक लगा हुआ तो स्विच ऑफ नहीं हो रहा, तो हम इसकी बैटरी निकालते हैं। बैक कवर को हमें ओपन कर लेना है, ये बैटरी हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए मॉडल हमारा है L5006 और इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैग्नेट का इस्तेमाल हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी स्क्रू ओपन करें वो मैग्नेट के लगा सके, ताकि हमारा कोई भी स्क्रू मिस ना हो। मैं वन बाय वन करके सारे के सारे स्क्रू इसके ओपन कर लेने, हम फटाफट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों सारे के सारे स्क्रू हमने ओपन कर लिए, इनको हम साइड में रख लेते हैं। और अब हमें ये हमारा बैक पैनल ओपन करना है, तो यहाँ पर हम टूजर का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही केयरफुली तरीके से हम इस बैक पैनल को, ये देखिए ये इस प्रकार से हम बैक पैनल को ओपन कर लेंगे। हमने बैक पैनल ओपन कर लिया और आप देख पा रहे हैं ये हमारा मदरबोर्ड आ गया। तो ये मदरबोर्ड को हमें बाहर निकाल लेना है। तो बाहर निकालने के लिए हम सबसे पहले तो इसका ऑन ऑफ स्विच को रिमूव करेंगे ताकि हमारा ऑन ऑफ स्विच डैमेज ना हो। तो मैं यहाँ पर पेस्ट का इस्तेमाल कर और सोल्डर की मदद से ऑन ऑफ स्विच को अलग करेंगे हम। ये देखिए ऑन ऑफ बटन हमने रिमूव कर लिया। और ऑन ऑफ बटन रिमूव करने के बाद में हमें ये कैमरा को भी अलग कर लेना है इसका। ये कैमरा हमने अलग कर लिया, ये चार्जिंग की हमने ये अलग कर लिया, और ये हमें मदरबोर्ड को बाहर निकालना है। ये टच का स्ट्रिप भी हमें निकाल लेना है, इस टच का भी हमें निकाल लेना है। और ये देखिए ये एंटीना वायर भी हमें रिमूव कर लेना है। ये देखिए ये मदरबोर्ड हमने इसका निकाल लिया और ये बोर्ड हम साइड में रख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो जैक है बिल्कुल से अलग ही हटा हुआ है, पूरा डैमेज है आप देख पा रहे हैं, यानी कि हाथ लगाने से ही हमारा ये जैक बाहर आ गया है और ये डैमेज है। और अब हम इसमें प्रिंट को चेक करते हैं और थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये देखिए डिफेक्टिव जैक है, नया जैक हम SMD की सहायता से लगाएंगे। हम थोड़ा इसको घुमा लेते हैं और यहाँ पर हम जो हर बार इस्तेमाल करते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, कंपोनेंट्स की सेफ्टी के लिए, तो ये इस प्रकार के ये हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हम जरूर करेंगे ताकि हमारे कोई कंपोनेंट डैमेज ना हो, तो वो जरूरी है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट की सेफ्टी जरूर करेंगे दोस्तों। ये हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर हम ग्लास का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर SMD की सहायता से ये देखिए ये नया जैक हमने ले लिया है, ये देखिए ये नया जैक ले लिया। हम SMD की सहायता से इसको लगाएंगे, फिक्स करेंगे।
बहुत ही आसानी से हम इसके अंदर फिक्स कर देंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी से ये प्रॉपर वे में फिक्स होगा दोस्तों। इसके अंदर थोड़ा सा हमें इस प्रकार से प्रेस कर लेना, और ये देखिए इस प्रकार से हमें थोड़ा सा ट्वीज़र की मदद से रोक के रखना है, और ये देखिए हमारा ये जैक इसके अंदर फिक्स हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। इनको हम साइड में रख लेते हैं, इनको रख लेते हैं हम, और इसको सीधा कर लेते हैं हम कैमरे को। ये देखिए ये हमारा प्रॉपर वे में फिक्स हो चुका है, और हम थोड़ा सा पहले इसकी मजबूती के लिए इसके जो भी लेग्स हैं उसको मजबूत बना देते हैं। तो यहाँ पर हम पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्लास नीचे लगाकर और इसकी जो मजबूती है वो बना देते हैं, ताकि हमारा जैक है प्रॉपर वे में ज़्यादा लंबे समय तक हमारा वर्किंग करे। तो ये इस प्रकार से हम थोड़ा सा हल्का प्रेस करके इसको फिक्स कर देंगे। क्लीन करने के बाद में हम ये वन बाय वन जो भी पॉइंट्स हैं, इसके फाइव पॉइंट्स हैं, ये देखिए इसको हम सोल्ड करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये प्रॉपर वे में हमने सारे के सारे प्रिंट्स को सोल्ड कर दिए हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए प्रॉपर वे में सारे के सारे प्रिंट्स हमारे सोल्ड हो गए हैं, इसको अब हम साइड में रखते हैं, ये डिफेक्टिव जैक है। अब हम इसको मदरबोर्ड में पैक करते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारा एंटीना वायर को इसके अंदर लगा लेना है। हम एंटीना वायर इसके अंदर लगा देंगे, एंटीना वायर नहीं लगाएंगे तो हमारे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी, तो ये ध्यान रखिएगा एंटीना वायर। ये देखिए दोस्तों ये हमने सोल्ड कर दिया है, ये हमने सोल्ड कर दिया है, और ये हम इसका ये लगा लेते हैं बोन, और यहाँ पर एक स्क्रू हम यहाँ पर लगा लेते हैं ताकि हमारा चेक कर सकें हम, और ये हम एक स्क्रू लगा लेते हैं, एक स्क्रू हम इस साइड में लगा लेते हैं, और अब हम एक बार इसके अंदर बैटरी लगाते हैं, और चार्जिंग लगाकर हम चार्जर लगा के इसके अंदर चेक कर लेते हैं। ये डिफेक्टिव जैक था हमारा, हम इसके अंदर ये चार्जर लगाते हैं, और ये हमने चार्जर लगा दिया, और ये देखिए हमारे यहाँ पर चार्जिंग शो होने लग गई है, और ये देखिए हमारी चार्जिंग चलने लग गई है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये चार्जिंग हमारी चलने लग गई 3% है, और स्विच ऑन करके भी मैं चेक करा देता हूँ आपको। ये देखिए 3% है, स्विच ऑन हमने कर दिया, आईटेल लिखा हुआ आ गया। ये देखिए ये हमारा ऑन हो गया है, और यहाँ पर ये देखिए 4% हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं 4% हो चुके हैं। ये मैंने चार्जर को रिमूव कर दिया, ये हमारा बंद हो गया, और ये मैंने चार्जर लगा दिया, और ये चार्जिंग कनेक्ट हो रही है। ये देखिए ये पासवर्ड लगा हुआ है, तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे आईटेल L5006 मोबाइल में चार्जिंग प्रॉब्लम को दूर किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।